एक पिछला जो वीडियो गुलामी के ऊपर बनाया था कि आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता, उसमें एक दो बुद्धिजीवियों के फोन आए थे कि आप थोड़ा सा और विस्तार में बताएं तो अच्छा रहेगा। और विस्तार में बताने के लिए पंचशील के जो सिद्धांत हैं या आठ शील के जो सिद्धांत हैं उनको एक एक करके लेना पड़ेगा। जो भगवान बुद्ध ने पंचशील के जो सिद्धांत दिए हैं, जो 5 परसेप्ट दिए हैं, वो बड़े अनमोल और बड़े कमाल के हैं। थोड़ा भी अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो उसमें पूरा जीवन समाया हुआ है। कहते हैं कि पंचशील के जो सिद्धांत हैं और पंचशील का जो प्रिंसिपल्स हैं, जो 5 परसेप्ट हैं, वो पूरे धम्मिक या धम्म साहित्य या किसी धम्मिक के लिए प्राण का काम करते हैं, उसके जीवन का काम करते हैं, उसकी पल्स का काम करते हैं, उसकी ब्रीथ का काम करते हैं। अगर ये निकाल दिया जाए तो बाकी सब कचरा रह जाता है, धम्म नीचे गिर जाता है, ढह जाता है, धम्म ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये धम्म के प्राण माने जाते हैं। पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, यानी कि मनुष्य के लिए है कि किसी भी प्रकार की जीव हत्या ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की जीव की हत्या नहीं करूँगा। इस पूरी अर्थ पर, इस पूरे प्लेनेट पर मनुष्य से ज़्यादा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है। मनुष्य सबसे महामूर्ख जीवों में आता है। पंचशील का जो पहला सिद्धांत है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने काफ़ी सोच समझ के पहले नंबर पे इसको रखा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे सीलों का हेड है, मुख्य है। और इसमें ये बात छुपी हुई है कि मनुष्य इस पृथ्वी का, इस प्लेनेट का, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति क्यों है। उसके पास सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा चेतना है, सारे जीवों में चेतना के शिखर पे बैठा हुआ है, चेतना का हेड है। चेतना का मतलब है कि जो उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करता है, उसका सॉफ्टवेयर, उसका मन सबसे ज़्यादा आगे दौड़ता है, और वो किसी भी बात को सोचने, समझने और परखने की क्षमता सबसे ज़्यादा जीवों में रखता है। इसलिए वो शिखर पर बैठा हुआ है और वो दुनिया की सारी गुत्थियों को हल करने का दावा करता है। मगर कितने कमाल की और कितने ताज्जुब की बात है कि वो लगातार, उसने लाखों तरह की चीज़ें ऐसी बनाई हुई हैं, लाखों तरह के उसने ऐसे तरीके इजाद कर लिए हैं, लाखों तरह की ऐसी युक्तियां और विधियां उसने बना ली हैं जिससे वो अपने आप को स्वयं खत्म कर रहा है। उसने अपने हत्या के, आत्महत्या के, अपने सुसाइड के हजारों प्रकार के तरीके बनाए हुए हैं, और वो लगातार 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 अपने आप को खत्म करने के यंत्र पर यंत्र, यंत्र पर यंत्र बनाए जा रहा है। सुख चैन खत्म कर रहा है अपना। यहाँ तक कि जिस पृथ्वी से वो बना है, जिस अर्थ से वो बना है, जिस अर्थ के मटेरियल से वो बना है, उस अर्थ को भी लगातार लगातार रून कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा है। सारी जानवरों की जातियों में सारे जानवर जितने भी होते हैं वो अपनी जाति को कभी खत्म नहीं करते। ये ध्यान देना होगा कि प्रकृति ने खास तौर का सॉफ्टवेयर के अंदर एक फाइल बनाई हुई है कि जिस जाति का प्राणी होता है वो अकारण उस जाति को कभी खत्म नहीं करता, उसकी रक्षा के लिए वो अपनी जान भी दे देता है। किसी भी जानवर के ग्रुप में आप अगर एनिमल प्लेनेट पर उठाएंगे या डिस्कवरी पर उठाएंगे तो देखेंगे कि जानवरों का एक समूह, एक जाति का दूसरे समूह पे, दूसरे वर्ग पे हमला करता है मगर अपने पर नहीं करता। वो ग्रुप बना के रहते हैं या इंडिविजुअल रहते हैं मगर एक दूसरे पे हमला नहीं करते, ना ही एक दूसरे को मारते। मगर मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो उनसे गया गुजरा है, उनसे बिल्कुल मतलब वो जो जानवर हैं जिनमें चेतना नहीं है वो ज़्यादा अक्लमंद और समझदार हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम पर चलते हैं। और ये जो मनुष्य है इसने प्राकृतिक नियम छोड़ दिए और ये अपने ही साथी, अपने ही मनुष्य, अपने ही बच्चों को खत्म करने पर लगा हुआ है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए, काटने के लिए सारे हथकंडे उसने अपनाए हुए हैं। सुख शांति सारी खत्म है। इसलिए भगवान बुद्ध का जो पहला सील है, पाणाति पाता वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि, अपने आप में बड़ा सुप्रीम और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो भगवान बुद्ध ने बताया है कि हत्या सिर्फ किसी का गला काट के या किसी को गोली मार के या किसी को गैस चैम्बर में डाल के या किसी को पहाड़ से फेंक कर या किसी को केमिकल के द्वारा या किसी को एटम बम के द्वारा ही हत्या नहीं होती। हत्या 3 तरह से उन्होंने बताई है।
एक सबसे पहली जो हत्या होती है वो होती है मानसिक हत्या, किसी के मन की हत्या। दूसरी हत्या जो उन्होंने बताई है वो उन्होंने बताई है वाचसिक हत्या। वाचसिक हत्या मतलब किसी के वचन की हत्या, किसी के विचार की हत्या, वाचसिक हत्या। और तीसरी हत्या है कायिक हत्या, यानी काया से हत्या करना, शारीरिक हत्या यानी उसकी बॉडी को खत्म करना। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कायिक नहीं है। ऐसा लगता है कि शरीर की हत्या सबसे इम्पोर्टेंट है, मगर शरीर की हत्या से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाचसिक है, किसी के विचार की हत्या, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक हत्या, मन की हत्या। अगर आप किसी के मन की हत्या कर देते हैं तो उसके वाचसिक यानी उसके विचार और वचन की हत्या, उसके बोलने की हत्या और उसके जो शरीर है उसकी हत्या ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए बुद्ध के सिद्धांत को अपना कर और बुद्ध के सिद्धांत से सीख के, बुद्ध की फिलॉसफी से सीख के, कुछ निगेटिव और कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को मनुष्य में सबसे सुप्रीम समझते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, दरअसल वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और मूर्ख हैं, वो बाल हैं। क्योंकि कोई मनुष्य अगर अपनी जाति को ख़त्म करता है तो वो फाइल को ही उल्टा कर रहा है, यानी जो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक जाति को, अपनी जाति के सभी लोगों को बचाना चाहिए, वो उसी को ख़त्म कर रहा है। तो वो प्रकृति के अगेंस्ट चल रहा है, और अगर प्रकृति के अगेंस्ट चल रहा है तो वो सुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा अवीची नरक में रहेगा। उसका जीते जी भी उसका बिल्कुल हालत ख़राब रहेगी और वो तड़प तड़प के परेशान रहेगा, बीमार रहेगा। और जब वो मरेगा उसके बाद जो उसका सॉफ्टवेयर है जो वाईफाई के थ्रू टर्मिनेट होगा मिलेगा। यहाँ आत्मा नहीं है, मगर जब नेक्स्ट बर्थ होता है तो नेक्स्ट बर्थ के लिए एक फाइल जाती है, पुरानी फाइल जो पूरे जीवन भर आपने जो किया है उसके कोड जाते हैं। उसके कोड जाके ऐसा शरीर ढूंढते हैं जहाँ वो कोड फिट हो। कोई आदमी अगर कमीना है तो कमीना अगर वो पूरी ज़िंदगी रहेगा तो उसे मनुष्य का अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। किसी जानवर, किसी कमीने जानवर का, सांप का, बिच्छू का या कीड़े का कहीं उसे जाके, क्योंकि वो उसकी फाइल छोटी जाती है और वहीं मैच करेगी। ये प्रोसेस भगवान बुद्ध ने खुद देखा और बताया। तो यहाँ किसी के जो मन की हत्या है, जो मानसिक हत्या है, जो मन की जो हत्या की जाती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए आती है। मन की हत्या करने के बहुत सारे तरीके मनुष्य ने बनाए हुए हैं। मन की हत्या रूप रंग को लेके अगर कोई कमेंट कर देते हैं नेगेटिव, तेरा रंग खराब है, तेरा रंग काला है, तेरी नाक ठीक नहीं है, तेरे बाल ऐसे हैं, ये देखता कैसे है, ये चलता कैसे है, ये खाता कैसे है, ये खाती कैसे है, ये मोटी हो गई है, ये पतली हो गई है, इसकी आवाज़ ठीक नहीं है, इसके पास पैसे नहीं हैं, इसके कपड़े गंदे हैं, इसका खाना ठीक नहीं है। मनुष्य ने मनुष्य को खुद उस हालात में पहुंचाया है। सारे मनुष्य को प्रकृति ने संसाधन बराबर दिए हैं, मगर यहाँ मनुष्य ने अपनी कुबुद्धि से, बेवकूफ़ी से मनुष्य के अंदर भेद कर दिए, और उन भेदों का परिणाम है कि पृथ्वी बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। तो ये जो मन को मारने के लिए जो उसका रूप रंग पे जो कमेंट किए जाते हैं और जो टिप्पणी की जाती है, या उसकी योग्यता या अयोग्यता को एक स्केल में नापा जाता है, सारे व्यक्ति योग्य होते हैं, कोई अयोग्य नहीं है। कोई आदमी ये कहे कि वो सिनेमा हॉल के अंदर बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है तो कर सकता होगा, मगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर कैमरा ठीक से चलाता है तो एक्टिंग करने वाला कैमरा नहीं चला सकता, और कोई आदमी अगर लाइट पकड़ा हुआ है तो लाइट पकड़ने वाला कैमरा नहीं चला सकता, मगर कैमरे वाला लाइट भी नहीं ढंग से पकड़ सकता। सभी व्यक्तियों में अपनी अपनी कोई खास बात, कोई खास चीज़ होती है। किसी को पढ़ा हुआ अच्छा समझ में आता है, किसी को लिखा हुआ, और किसी को व्यवहार में जो चीज़ है वो अच्छी समझ में आती है। बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं है, मगर उन्होंने दुनिया की सर्वोच्च बातें बताई हैं। भगवान बुद्ध खुद किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, ना ही कोई अक्षर वहाँ होते थे, ना ही किसी ने पढ़ाया है, उन्होंने स्वतः ही ज्ञान सीखा, और आज पूरे दुनिया के शिखर पर वो बुद्धि में आते हैं, और उनका ज्ञान आज भी अनबीटेबल है, अनकम्प्रोमाइजेबल है, अनकम्परेबल है, कोई उसकी तुलना नहीं है, वो अतुल्य है। तो ऐसा ज्ञान उन्होंने दिया जो आज तक भी चलता है। साइंटिस्ट भी उनके ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, कंप्यूटर रोबोट बनाते हैं, सारा सारा सॉफ्टवेयर उन्हीं के ह्यूमन सॉफ्टवेयर से डेवलप हुआ है। तो मन की हत्या करने के लिए बहुत सारे जो गंदे लोग हैं, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो पृथ्वी को ख़त्म कर रहे हैं, और जो पृथ्वी को के साथ साथ अपने बच्चों को भी ख़त्म कर रहे हैं और अपनी नस्ल को भी ख़त्म कर रहे हैं, लगता उन्हें ऐसा है कि हम अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी फैमिली को बचा रहे हैं, अपने समुदाय को बचा रहे हैं, अपनी जाति को बचा रहे हैं, अपने कलर को बचा रहे हैं, मगर जब पृथ्वी खुद ख़त्म हो जाएगी तो कौन इसमें बचेगा? एक सिंगल व्यक्ति नहीं बच सकता, एक सिंगल जीव जीव नहीं बचेगा। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य से ज़्यादा बेवकूफ़ और मूर्ख इंसान इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। चेतना के शिखर पर होना
का मतलब ये होना चाहिए था कि सारे व्यक्ति और सारे जानवर सुखी होने चाहिए थे, मगर चेतना के शिखर पे पहुंचने के बाद मनुष्य इतना ज़्यादा दुर्बुद्धि हो गया, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ और मूर्ख हो गया कि वो लगातार दोनों हाथों से इस पृथ्वी को ख़त्म करने में लगा हुआ है, ऐसा सोचते हुए कि वो सुरक्षित रहे और लगातार। ये ठीक ऐसी स्थिति है जैसे घर में आग लगाने वाला कोई आदमी और किसी कमरे में छुप के बैठ जाए और वो सोचे कि आग यहाँ नहीं आएगी, मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ। तो मानसिक हत्या करने के इतने सारे कारण हैं, कोई एजुकेशन को लेके है, किसी के व्यवहार को लेके है, किसी की पढ़ाई को लेके है, किसी के बोलचाल को लेके है, किसी की जात को लेके है, किसी के धर्म को लेके है, किसी के क्षेत्र को लेके है, किसी की भाषा को लेके है, किसी को चलने को, किसी का ढंग, बहुत सारे इतने सारे कारण याद कर लिए हैं एक दूसरे को मानसिक बीमार बनाने के लिए, मानसिक प्रताड़ना देने के लिए, मानसिक रोग करने के लिए और मानसिक हत्या करने के लिए, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। और बेवकूफ़ मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि अगर वो सामने वाले का मनोबल तोड़ेगा तो वो अपना भी नुकसान करेगा, क्योंकि वो मनोबल टूटना या मानसिक हत्या करने में रहेगा तो पृथ्वी पे रहेगा तो आसपास ही सारे मनुष्य, जब दो मनुष्य बात करते हैं तो एक की सांस दूसरे के मुंह में जाती है, ऑक्सीजन का बंटवारा नहीं हो सकता, एक सांस छोड़ता है दूसरा लेता है, दूसरा सांस छोड़ता है तीसरा लेता है। एक मेट्रो के डब्बे में अगर 250-300 आदमी बैठे हों और एक साथ खड़े हों तो वो 3-3, 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर धड़ाधड़ एक दूसरे को सांस ले रहे होते हैं। उस समय कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई रंग, कोई कलर, कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी है जो चाहिए। जब कभी पृथ्वी पर कोई आपदा आती है, कोई अर्थक्वेक आता है या कहीं आग लग जाती है, तब भी सब लोग भूल जाते हैं, वो नेचुरल वे आ जाता है निकल के। इसलिए नेचुरल वे आदमी के अंदर है, मनुष्य के अंदर नेचुरल वे है, मगर कुछ चालाक लोग जो अपने आप को बेवकूफ़ चालाक लोग जो ये समझते हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, अपने समुदाय को सुरक्षित कर रहे हैं, अपने खानदान को सुरक्षित कर रहे हैं, अपने देश को सुरक्षित कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे उन्होंने उपकरण ईजाद कर लिए हैं कि पूरी दुनिया को 600 बार तबाह किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो मानसिक हत्या सबसे बड़ी हत्या मानी है भगवान बुद्ध ने, किसी के मन को तोड़ना या मन की हत्या करना उसकी कायिक हत्या, उसकी वाचसिक हत्या यानी शरीर की हत्या और विचार की हत्या से भी ज़्यादा बड़ी मानी गई है। दूसरे नंबर पे आती है वाचसिक, यानी कोई व्यक्ति विचार देता है, कोई महिला विचार देती है, कोई बच्चा विचार देता है, कोई बच्चा कोई बात करना चाहता है, कहना चाहता है, और आपने उसको डांट दिया, उसको चुप कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आप उसकी बात का जवाब नहीं दे सकते या देना नहीं चाहते, या वो कुछ सीख जाएगा या कुछ सीख जाएगी, या उसको अपने लेवल के बराबर नहीं समझते, या वो लेवल के बराबर में आ जाएगी, या आपकी सुपरमेसी चली जाएगी, या जो आपका बनावटी कवच है वो टूट जाएगा, या आपको लगेगा कि आप तो बहुत ऊंचे पायदान पे हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि अपना विचार दे दे, या कहीं ऑफिस में कोई छोटा व्यक्ति सबॉर्डिनेट अगर कोई अच्छी बात कहता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं माननी क्योंकि अगर इसकी बात अच्छी मानी गई तो मेरा दर्जा कम हो जाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो जीवन के अनुभव की कोई बात बताता है तो सिर्फ इसलिए नहीं माननी कि उसके कपड़े गंदे हैं, या वो बहुत ज़्यादा जानता नहीं है, या वो हमारे समुदाय में नहीं है। ये विचारों की हत्या, या किसी को बोलने नहीं देना, या किसी की बात को फ्लरिश नहीं करना, या उसकी बात को दबाना, या उसके मैसेज को ख़त्म करना, या उसकी जो उसने कहा है उस बात को नकारना, या उसके विरोध में आना, गलत तरीके से विरोध में आना, बिना तथ्यों के विरोध में आना, ये सारी के सारी वाचसिक हत्या होती हैं, विचारों की हत्या होती हैं, बोलने की हत्या होती हैं। ये हत्या इतनी खराब होती है कि इसमें आदमी का मनोबल टूट जाता है, और मनोबल टूटने से चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी, चारों तरफ से नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो बिखर जाती हैं और वो पूरे माहौल को ख़राब कर देती हैं। कोई बात सही है या ख़राब है उसको तर्क पे कसा जा सकता है, जैसे भगवान बुद्ध ने बताया। इसलिए अच्छा है कि कोई आदमी अगर अपना विचार देता है, अपनी बात देता है, तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको इज्जत देनी चाहिए। विचार खराब हो सकता है तो आप अपने तर्क से उसको कहें कि ये खराब है, अच्छा है तो उसको कहना चाहिए कि ये अच्छा है। ये व्यक्ति के जीने के लिए, ये पृथ्वी के जीने के लिए, ये मनुष्य के जीने के लिए, ये दुनिया के जीने के लिए और ये पूरे समुदाय में एक रास्ता के लिए बहुत ज़रूरी है बोलने की आज़ादी, विचार की आज़ादी, कहने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी। अगर आप इसे मार देंगे तो आप अपने देश की प्रतिभा को ख़त्म कर देंगे, फिर वो आप पूरी दुनिया से लड़ नहीं सकते, क्योंकि विचार अगर एक बार मरने शुरू हो जाते हैं तो व्यक्ति अंदर से मर जाता है, 100 बीमारियाँ उसको होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो विचारों की जो फाइल है वो अंदर कोड बनाती है और वो अंदर ही अंदर उसको बीमार करना शुरू कर देती है। तीसरे नंबर की जो हत्या है वो है कायिक हत्या।
कायिक हत्या में सभी जीवों की हत्या के लिए निषेध है, यानी कि आपको किसी भी तरह की जीव की हत्या नहीं करनी है, चाहे वो मनुष्य जीव है, चाहे वो चार पाए जीव है, चाहे वो पानी में रहने वाला जीव है, चाहे उड़ने वाला है या पतंगा है। क्यों नहीं करनी है कायिक हत्या? इसका एक सिंपल सा उदाहरण और सिंपल सा कारण है, जीव जितने भी पैदा होते हैं वो दो तरह से पैदा होते हैं, जैसा भगवान बुद्ध ने विपस्ना करते हुए देखा। एक होता है मटेरियल से, और मटेरियल को जोड़ने के लिए, मटेरियल को तोड़ने के लिए, यानी जो फीजन और फ्यूजन है, मटेरियल का चिपकना, विखंडन होना या उसका संयोजन होना, जुड़ना या टूटना, ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं में जब वो एनर्जी लेता है तो उसको जोड़ने का और इसको तोड़ने का एक नियम होता है। वो नियम एक सॉफ्टवेयर से चलता है जिसको ह्यूमन सॉफ्टवेयर या एनिमल सॉफ्टवेयर या जो जीव है, जो लाइफ है, उसका सॉफ्टवेयर बोला गया है, जहाँ इसको मन बोलते हैं मनुष्य के अंदर। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो बताता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ कितना जुड़ना है। पानी लेगा, वो मटेरियल लेगा अर्थ से, माँ के पेट से लेगा, जीव के पेट से लेगा, और वो उसी हिसाब से उसके अंग बनाएगा जिस हिसाब से वो फाइल बनी होगी। ये जो फाइल है ये ट्रांसफ़र होती है जब वो जीव मरता है। जब वो जीव मरता है तो उसका पूरे जीवन का एक रिकॉर्ड की फाइल बनती है, और उसको संखारा बोला गया है। जो संखारा है, जो संस्कार है, वो बनता है, और वो वाईफाई के थ्रू सिर्फ वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती हैं एनर्जी के रूप में। जब वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती हैं तो वो रिसीवर ढूंढती हैं, ठीक ऐसे जैसे मोबाइल से हमें एक अगर फ़ोटो किसी को भेजें तो मोबाइल से फ़ोटो अगर हम वाईफाई के थ्रू भेजते हैं तो उसी मोबाइल में जाएगा जो उसको रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखता होगा और जिसमें वो कोड होगा, अदरवाइज तो वो फिर आगे बढ़ता चला जाएगा मैसेज, और जहां उसको वो रिसीवर मिलेगा वो ले लेगा। इसी प्रकार पूरे जीवन में जितनी फाइलें बनती हैं उस फाइल के कोड के हिसाब से वो फाइल ट्रांसफ़र होती है और वो अगला मटेरियल ढूंढती है। अगला मटेरियल का मतलब है कि जहां वो असेंबल हो सके, जहां वो इकट्ठा हो सके, वो कोई भी हो सकता है। विपस्ना के थ्रू भगवान बुद्ध ने देखा कि हत्या करना, किसी जीव की हत्या करना सबसे ज़्यादा इनर फाइल को, सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है, और उस हत्या का इतनी निगेटिव फाइल बनती है, ऐसा वायरस आता है कि जो बाकी फाइलों को भी खराब कर देता है, करप्ट कर देता है। हत्या को उन्होंने सबसे अधिक नुकसानदायक बताया है। तो आपकी जब फाइलें बनती हैं, आप जो शरीर के अंदर जो आपकी कोडिंग और डिकोडिंग होती है, हत्या उन समय सबसे बड़ी निगेटिव फाइल होती है जो काफ़ी भारी होती है। इसको डिलीट करना इतना आसान नहीं होता विपस्ना के थ्रू भी, इसलिए हत्या से बचना चाहिए किसी भी कारण से की गई हत्या। और मनुष्य अगर मनुष्य की हत्या करे तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, और मनुष्य अगर किसी सच्चे आदमी की हत्या करे तो और भी ज़्यादा बड़ी फाइल बनती है। और मनुष्य अगर किसी भिक्खु की हत्या करे, भिक्खु का मतलब है जो राग द्वेष से मुक्त है, जो संत हो चुका है, जो शांत हो चुका है, या भिक्खुणी है, अगर ऐसे व्यक्ति की हत्या करता है तो फिर वो उसकी फाइल इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके कोड इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि वो लाखों सालों तक उसको कोई अच्छी फाइल या अच्छा जो लाइफ है वो नहीं मिल सकती। लाइफ से मुक्ति की बात, निर्वाण की बात तो फिर सपनों की हो जाती है। इसलिए इसको अविचि नरक उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, जो डैमेज ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये तीनों तरह की जो हत्याएं हैं ये पाणाति पाता वेरमणि में आती हैं। पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पतंग समाध्या का मतलब है कि आपने तीनों तरह की किसी भी तरह की हत्या नहीं करनी है, तीनों का नुकसान होता है। जो लोग विपस्ना करते हैं वो विपस्ना में इसको देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जीव हत्या करना बिल्कुल मना है। अगर कोई गलती से कोई मच्छर भी मार देता है तो विपस्ना में देखता है कि उसके शरीर पे कितना नुकसान हुआ है। अगर वहाँ कोई छिपकली या कुछ मार देता है या उससे मर जाता है तो वो देखता है कि शरीर पे कितना बड़ा नुकसान हुआ है, वहाँ दिखाई देता है, महसूस होता है। इसलिए कहा जाता है वहाँ कि आपको ज़मीन पर नीचे देख के चलना है ताकि चींटी भी ना मरे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उस समय और आपको पता चलता है। आम जीवन में तो इतना नहीं पता चलता, मगर विपस्ना के थ्रू पता चलता है। एक बार जो लोग विपस्ना करके आए हैं वो तो जानते हैं, और जो लोग नहीं करके आए हैं वो एक बार विपस्ना जाके अनुभव करें कि पाणाति पाता वेरमणि सारे जितने भी विनय के नियम हैं उनका सिरमोर या सिरमणि या उनका हेड क्यों कहा और क्यों ये एक नंबर पे आता है। धन्यवाद।